हे फ्रेंड्स, आलोक रंजन ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आज के ये 11 अप्रैल, सॉरी 11 अप्रैल कर रहा हूँ, 11 अगस्त का डाटा है, जिसमें DIS ने 500 करोड़ की बाइंग की है और FIS ने करीब माइनस मतलब 3000 करोड़, 3073 करोड़ की सेलिंग की है। तो ओवरऑल मार्केट आज निगेटिव रहा, तो समझ सकते हैं मार्केट ऊपर नहीं है। कल का अगर आपने मेरा NGX निफ्टी का चार्ट देखा हो, तो मैंने उसमें कहा भी था कि मार्केट या तो कंसोलिडेशन जोन में रहेगा या फिर डाउन ही जाएगा। तो वैसा ही हुआ, मार्केट मार्केट निगेटिव रहा थोड़ा सा, और जब तक ये FIS की सेलिंग चलती रहेगी तब तक ये मार्केट निगेटिव रहेगा। अब आते हैं, आपको डाटा दिखाते हैं एक हफ्ते का करीब। देखिए, 10 अगस्त का डाटा, इसमें आज का भी अपडेट नहीं आया। 10 अगस्त को पॉजिटिव में रहा डाटा FIS का, 331 करोड़ की सेलिंग बाइंग, और 9 अगस्त को भी पॉजिटिव में रहा। बट 4-5 दिन उन्होंने मतलब इन्होंने करीब 27 जुलाई से लगातार सेलिंग की, अब थोड़ा सा बाइंग शुरू की, बट कल फिर से इन्होंने सेलिंग कर दी। मतलब आज ही 11 तारीख को, 11 अगस्त को इन्होंने सेलिंग कर दी। तो आज वीकली एक्सपायरी भी था, तो अब मंडे को क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसलिए इन्होंने सेलिंग कर दी। अब ब्लैक फ्राइडे सेलिंग आ जाता है कि फ्राइडे को सेलिंग ज़्यादा होती है और मंडे को बाइंग ज़्यादा होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। मंडे के चांसेस ज़्यादा हैं बाइंग के, क्योंकि सेलिंग काफ़ी हो गई इधर बीच। तो मंडे को मार्केट पॉजिटिव में रहेगा, बट अभी जो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है अभी की, आज का जो -42 में माइनस में चल रहा है, तो बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से सेलिंग हुई है उसके हिसाब से ज़्यादा है चांस है पॉजिटिव में आने के। और FIS भर भर के खरीद रहे माल, हमेशा ऐसे ही खरीदते आ रहे हैं, लेकिन बट सॉरी DIS भर भर के माल खरीद रहे हैं, FIS सेलिंग कर रहे हैं। अब जब उनकी बाइंग आएगी तो मार्केट काफ़ी ऊपर जाएगा, क्योंकि वो तगड़ा खरीदते हैं। हमारे पास लिमिटेड है, बट उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं। करीब कभी कभी तो 2-2 हज़ार करोड़ की बाइंग करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 हज़ार करोड़ की सेलिंग की इन्होंने, बाइंग भी देखिए 1000 करोड़ की बाइंग, 2 हज़ार करोड़ की बाइंग। तो ऐसे ही है, चांसेस हैं कल मार्केट निगेटिव रहेगा या फिर कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। तो अभी इधर मार्केट का ट्रेंड निगेटिव ही है। अगर आप निफ्टी का भी चार्ट देखें, आज करीब मार्केट काफ़ी गिरा था, बट उसके बाद थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ गई थी मार्केट में, निफ्टी में लास्ट मोमेंट में। तो मंडे को चांस है पॉजिटिव है होने के, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो यार स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना ही पड़ेगा, कि ट्रेंड रिवर्सल हो तो आपको उसको अपना लॉस कम कर सकते। तो फ्रेंड, ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, फिर न्यूज़ में कुछ ना कुछ बताते रहेंगे आपको कुछ अच्छी चीज़ें। ओके फ्रेंड, बाय।